तो राहुल ये जो परफॉर्मेंस आपने दी है ये किस उपलक्ष्य में दी है मतलब ये किस तरह का प्रोग्राम था आ जी ये जो है पूर्वोत्तर संवाद था ये जो हमारी पूर्वोत्तर की जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो धरोहर इतने परम्परा इतनी पुराने तौर से चला आ रहा है उनका एक नयापन था जहाँ ये कलाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं तो उनको बचाए रखने के लिए और उनको संरक्षित रखने के लिए साथ ही साथ उनका आत्मसात करने के लिए इस कार्यक्रम को इन्होंने बहुत ही सुंदर रूपरेखा दिया जिसमें इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था मैं राहुल कुमार रजक एक युवा कथक नर्तक हूँ और साथ ही साथ पूर्व संवाद में मैंने अपनी नृत्य की प्रस्तुति की तो राहुल तुमने इससे पहले परीक्षा पास की बी पी एस सी टी की कैसा अनुभव रहा परीक्षा का आ, परीक्षा की तो बहुत बहुत ही मतलब मैं बहुत खुश हूँ अभिभूत हूँ मौन हूँ निश्द हूँ क्योंकि मतलब आ, ऐसा था कि मतलब आ, मैं एग्ज़ाम दिया और मेहनत किया इवन ये सारे जितनी भी क्रेडिट है तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय गुरुज़ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थेरिटिकली प्रैक्टिकली जितना अच्छा उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल में बनाया उतना ही अच्छा उन्होंने मुझे थ्योरी में किया तो दोनों का जो बैलेंस जो है ना जिस कारण से मैं बी सी क्रैक कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं बहुत खुश हूँ ओके okay, तो बी पी एस में बच्चे बहुत सारे क्वालिफाई कर गए टी आर में भी आगे चीज़ें हैं फोर पॉइंट में भी चीज़ें हैं तो तुम बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे इसके लिए मैं बस ये देना चाहूँगा कि इस जिस फील्ड में मैं हूँ शास्त्रीय नृत्य हो या संगीत हो देर इज़ नो एनी शॉर्टकट तो इसमें है कि ये बहुत एक लंबी जर्नी है ये ये ना तो कप ऑफ द टी ऐसा कुछ नहीं है मतलब ऐसा है कि हमें जीवन के साथ साथ अनुभवों के साथ साथ जो कलाएं हैं उनका आत्मसात करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है जो मुझे लगता है कि एक गुरु का जीवन में गुरु का होना बहुत ही अमूल्य चीज़ है कि जिनके पास गुरु है सच में उनके पास सब कुछ है तो तैयारी के लिए तुम बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगे कि उन्हें तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए सबसे पहले उनको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए और बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोग तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा करते हैं बट थियोटिकली उनको नॉलेज नहीं होती कुछ लोग जो थोरटिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं बट उनको प्रैक्टिकल नहीं आता है लेकिन ऐसा नहीं है ये जीवन के एकदम साहित्य और संगीत चाहे वो जितनी भी मौखिक सभ्यताएँ हैं जो हमारी संस्कृति है तो उनमें जो है ये दोनों का बहुत योगदान है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जितने लोग प्रैक्टिकली जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे वो शास्त्र के रूप में भी हो जिसके लिए उनको नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी द्वारा रचित साथ संगीत विशारद उसके बाद और मेरे गुरु महाराज जी के द्वारा किताब लिखी गई है अंग काव्य उसकी पुरुधतित जी द्वारा लिखी गई है कथक दर्शन वगैरह और बहुत सारी किताबें हैं जो जिनका उनको अनुपालन करना चाहिए और साथ ही साथ एक गुरु तो राहुल मैं जानना चाहूँगी कि तुम बिहार के बच्चों के लिए क्या करने वाले हो अब सबसे पहले जो मैंने तालीम अर्जित की है जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है तो मैं उसका पहले प्रचार प्रसार करूंगा और जो मैंने शुद्ध चीज़ें सीखी हैं क्योंकि आजकल जो है इतना है ना मतलब फ्यूज़न इज़ मोर कन्फ्यूज़न ये बहुत लोग कहते हैं तो लोग फ्यूज़न की दुनिया में ऐसे ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो शुद्धता की गौन हो चुकी है आज तो मैं चाहूँगा कि उसे शुद्ध के साथ साथ जो है जिन चीज़ों का वो आत्मसात करवाऊँ और मैं अपनी स्ट्रैटजी के साथ उनको एक दिशा निर्देश दूँ कि किस तरह से वो जो है इस कला के साथ अपना जीवन को यापन करने में वो सक्षम हो पाए तो कोई प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहोगे बच्चों को मतलब वो तैयारी कर रहे हैं जैसे कि मान ली मान लो अब बी पी एस सी टी आ थ्री पॉइंट टू आ रहा है एस आ रहा है या उसके बाद फोर पॉइंट टू भी आ रहा है इस तरह की और भी परीक्षाएं हैं ई एम आर एस में अभी वैकेंसीज आई हुई हैं तो कोई रिकमेंड करना चाहोगे किसी तरह का जी ज़रूर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है मतलब आज के समय में और जब तक आप अपने ज्ञान की कैसे आप ज्ञान को के तोल पाओगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आपके एक दिग्दर्शन गुरु के साथ साथ जो है एक एक बकायदा इंस्ट्रक्टर मिले मेंटर मिले तो उसके लिए बिहार अड्डा बहुत अच्छा है मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ उसमें आते हैं संगीत से रिलेटेड नृत्य से रिलेटेड और भी बहुत सारे वो तो डाइवर्स है चीज़ों के साथ बहुत चीज़ों के साथ वो बकायदा इतनी अच्छी फैकल्टी है वो उनको इतने करते हैं तो मैं कहां कि उनके साथ वो जा सकते हैं इट इज़ कभी मौका मिला तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश भी करना हम कोशिश करेंगे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि नृत्य के लिए कुछ हो पाएगा क्या तो कोशिश करूँगी कि राहुल आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाएँ क्यों राहुल ज़रूर एकदम मैं बहुत ही सो ब्लेस्ड एंड सो फॉर्चुनेट कि आपने ये कहा तो मैं ज़रूर मैं अगर ऐसा संभव हो तो मैं भविष्य में ज़रूर मैं इसके साथ इस मुहिम के साथ मैं अपने आप को अग्रसर करूँगा तो बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स राहुल ने सफलता प्राप्त की और मैं आशा कर रही हूँ आप लोग भी अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एज सच तो आप सभी लोग तैयार रहिए आगे बी पी एस सी टी आर थ्री पॉइंट टू और फोर पॉइंट टू के लिए भी शुक्रिया